चिंता ना करो प्रिय, ये कैसा अपशकुन है? जो युद्ध शूरवीर ने छेड़ा है उसका उत्तर मैं अवश्य दूंगा। रणभूमि में आपने अपनी आंखों से देखा? आपके आशीर्वाद से उन्होंने दूसरा द्वार भी तोड़ दिया। तीसरा द्वार तोड़ने में अभिमन्यु सफल है। चक्रव्यूह तोड़ने में अपना पुत्र सफल हो गया। समाचार आया है कि चौथा चक्रव्यूह तोड़ने में मेरे पुत्र ने कौरव सेना में हाहाकार मचा दी है। अरे अब तक तो पांचवा चक्रव्यूह तोड़ रहे होंगे मेरे स्वामी। चारों ओर से टूट पड़ो, अभिमन्यु को मौत के घाट उतारो। Thank you.
किसने मारा मेरे कुलदीपक को? किसने? जवाब दो, किसने मारा मेरे लाल को? मैंने। आपने? बड़े भैया आपने? हाँ, उसे पांडव का सेनापति ना बनाया होता तो ये घड़ी ना आई होती पार्थ। मतलब आपने उसे सेनापति बनाया? मेरा अभिमन्यु रण संग्राम में वीर गति को प्राप्त हुआ? अरे ये तो बड़े गर्व की बात है बड़े भैया, उसने सुभद्रा की कोख को उज्जवल बनाया है। पार्थ, छह द्वार को तो उसने छिन्न भिन्न कर डाला था, और सातवें द्वार पर सात सात गदाधारियों ने उसे मिलकर मारा। और तुम लोग वहाँ पर क्या कर रहे थे? हमें जयदत्त ने रोक रखा था, अभिमन्यु के मृत्यु का कारण जयदत्त है। जयदत्त, मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि कल सूर्यास्त के पहले जयदत्त का मैं वध करूंगा। और यदि तुम अपनी ये प्रतिज्ञा पूर्ण नहीं कर सके तो कल चिता पर चढ़कर अग्नि स्नान करूंगा, ये मेरी दूसरी प्रतिज्ञा है। अर्जुन की यही प्रतिज्ञा उसके मृत्यु का कारण बनेगी। जयदत्त, कुछ कीजिए गुरुदेव, गुरुदेव मेरी रक्षा कीजिए। जयदत्त, मैं तुम्हें अपने आश्रम में रखूंगा और ऐसे व्यूह की रचना करूंगा कि कल अर्जुन सूर्यास्त से पहले तुम्हें ढूंढ नहीं पाएगा। गुरुदेव, अर्जुन को दूसरी प्रतिज्ञा पूर्ण करनी पड़ेगी। जीते जी अर्जुन चिता में चढ़ेगा। अर्जुन को अग्नि स्नान करना पड़ेगा। अग्नि स्नान। रणभूमि में लड़ाई की तैयारियां हो रही हैं। मतलब इसका अर्थ ये कि पार्थ खुद की पहली प्रतिज्ञा पूरी नहीं कर सके और दूसरी प्रतिज्ञा पूर्ण करने वो जिंदा चिता पर चढ़ेंगे। नहीं नहीं, समय निकल जाए और फिर पछतावे के आंसू बहाने पड़े, मैं उन्हें चिता पर चढ़ने से रोकूंगी, जरूर रोकूंगी। पांचाली, गांडी उधारी पार्थ, सूर्यास्त हो गया है, चढ़ो चिता पर। पार्थ, जिस गांडीव के कारण तुम आजीवन गांडी उधारी कहलाए, जिसने तुम्हारा जीवन भर साथ दिया, उसे भी चिता में अपने साथ ले जाओ। चढ़ूंगी। पांचाली, पति के जीते जी तुम सती नहीं हो सकती। जय शिव शंभव, किसी के धर्म कर्म के बीच आना ये पाप है पार्थसारथी। हाँ शकुनी, धर्म नीति न्याय इन सब का ज्ञान अब हमें तुम जैसे धार्मिक लोगों से ही तो सीखना होगा ना। यदि अब तक प्राप्त कर लेते तो पांडवों का कल्याण हो जाता, अर्जुन को यह दिन नहीं देखना पड़ता। अब चिता के आसपास अपना रास रचाओ गोकुल के ग्वाला। जयदत्त, तुम औरतों की तरह छिपे नहीं होते तो ये चिता तुम्हारी होती। साम दाम दंड और भेद की बातें भीम की मोटी बुद्धि में नहीं उतरेगी। वीर अर्जुन,
प्रतिज्ञा पूरी करो। शुभस्त शीघ्रम, धर्म कार्य में देर नहीं होनी चाहिए। हाँ पार्थ, सुबह से शीघ्रम प्रतिज्ञा पूर्ण करने का समय हो गया है। स्वामी देखिए देखिए, अभी तक सूर्यास्त नहीं हुआ। हाँ पार्थ, सूर्यास्त होने में अभी अर्ध प्रहर बाकी है, पूर्ण करो तुम्हारी प्रथम प्रतिज्ञा। सावधान अर्जुन, जयद्रथ का सिर जमीन पर नहीं उसके पिता के गोद में ही गिरना चाहिए। स्वामी